हाय एवरीवन, वेलकम टू डिजिटल जीके क्लासेस। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि बीपीएससी टीआरई 2 में जितने लोग भी सेलेक्ट हो चुके थे, कल सभी को जो है नियुक्ति पत्र मिल चुका है। टोटल कितनी नियुक्तियां जो है कल मिली हैं आपको पता है नियुक्ति पत्र, तो वो है 96,000 के आसपास, 96,000 आई थिंक कुछ 823 के आसपास है। और टोटल आपकी भर्ती कितनी थी, वो थी आपकी 122,000। ठीक है, तो 122,000 में से 96,000 के आसपास जो है नियुक्ति पत्र कल बटे हैं। अब देखिए, सबसे मेन चीज जो कि आपको पता है कि कल जो है सीएम नीतीश जो है उनके हाथों से सभी को जो है नियुक्ति पत्र मिला है पटना के गांधी मैदान में। बाकी के भी जिलों में जो है इसका आयोजन हुआ था और उसमें उन्होंने जो भी चीजें बताई हैं वो मैं आपको बताने वाली हूँ। उन्होंने जैसे बीपीएससी टीआरई 1 के समय पे बहुत सारी इन्फॉर्मेशन दी थी रोजगार से रिलेटेड, सेम उन्होंने जो है इस बार भी बताया है। नियोजित शिक्षक से रिलेटेड बताया है, आपका जो है सप्लीमेंटरी रिजल्ट उसके बारे में भी इन्फॉर्मेशन है। तो जो भी आप सभी के काम किए वो सारी चीज़ें मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूँगी। एंड अगर आप चाहते हो कि दोबारा से आपको एक बीपीएससी देने का तो मौका मिल ही रहा है बट उसमें सिलेक्शन हो जाए तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा सो दैट आपको ऐसी अपडेट मिलता रहे। देखिए, आपको पता है कि न्यूज़पेपर में पहले निकला था कि कुछ ऐसे अभ्यर्थी हैं। देखो, अब ये 96,000 का जो डेटा आया है आज के न्यूज़पेपर में, वो मैं आपको बता रही हूँ, क्योंकि इसके पहले तो ये था कि 76,000 मतलब इतने सेलेक्ट हो चुके हैं, इसमें से 76,000 के आसपास ही जो है वो काउंसलिंग कराए हैं, बाकी के लोग काउंसलिंग नहीं कराए। और आपको पता है कि इसमें से ये जो 96,000 है इसमें 11,000 इतने जो है आपके नियोजित शिक्षक हैं, 11,000 के आसपास जो सेलेक्ट हुए हैं वो नियोजित शिक्षक हैं। तो कल जो है सीएम नीतीश के ही माध्यम से बताया गया, अगर आपको वीडियो देखनी होगी तो आप जाकर देख सकते हो यूट्यूब पे, बट यहाँ पर मैं वो वीडियो नहीं ऐड कर सकती हूँ कॉपीराइट की वजह से। तो इसमें से 11,000 नियोजित शिक्षक जो है उनको उन्होंने बोला है कि इनको भी राजकर्मी का दर्जा बहुत जल्द मिलने वाला है। तो आप देखो इसमें से कुछ ऐसे 11,000 में से हैं जो कि नहीं जाएंगे क्योंकि ये अपने ऑलरेडी घर के आसपास में है। तो ऐसी इन्फॉर्मेशन निकल कर आ रही है कि अगर ये 11,000 जो है योगदान दे देते हैं तो फिर इतने ही पद जो है ऐड करने होंगे क्योंकि ये नियोजित शिक्षक हैं। और लेकिन कल जब से इन्होंने बोला है कि इनको राजकर्मी का दर्जा मिलने वाला है तो मुझे नहीं लगता है कि फिर ये जो है नए वाले में जाएंगे क्योंकि वहीं पर हैं, अपने घर के आसपास ही इनको मिल जाएगा। ये मैं आपको क्यों बता रही हूँ, क्योंकि इसका सीधा सीधा कनेक्शन जुड़ा है सप्लीमेंट्री रिजल्ट से। क्योंकि देखिए, आप मल्टीपल रिजल्ट आए थे कितने, 17,000। देखो, ये डेटा ना हमेशा बदलता रह रहा है, कभी 12,000, कभी 14,000, कभी 17,000। और जैसा कि मैं आप सभी के कमेंट पढ़ती हूँ तो आप लोग लिखते हो कि चाहे कितना भी नंबर जो है कितना भी बड़ा डेटा आ जाए बट ये निकालेंगे केवल 2,000 और 3,000, ये आप लोग ही बोलते हो, जो कि मुझे भी लगता है सही है। सही इसलिए है क्योंकि पिछली बार इन्होंने भी ऐसा ही कुछ पलट दिया था पूरा खेल। सही इन द सेंस कि पिछली बार भी अगर ये चाहते तो ज़्यादा से ज़्यादा पदों पर जो है निकाल सकते थे, बट जैसा कि आप लोगों को पिछली बार से ही आपको हम सभी को पिछली बार से सारी चीज़ें एकदम क्लियर हो चुकी हैं कि कितने भी पद खाली रहते हैं ये उस पर सप्लीमेंट्री रिजल्ट नहीं निकालते हैं, और एकदम ना के बराबर 2,000 से 3,000। इसमें भी आप जानते हो कि कितना निकलता ही है, अगर आप हर कैटेगरी वाइज देखें, आप 1 to 5, 6 to 8, 9 to 10, 11 to 12 के हिसाब से देखें। बट कोई नहीं, उम्मीद तो यही है क्योंकि पिछली बार भी उम्मीद थी ही कि 14,000 या 20,000 के आसपास निकलेगा। इस बार इसका कनेक्शन सप्लीमेंटरी रिजल्ट का भी मैं आपको लास्ट में बताने वाली हूँ, बट सबसे पहले जो नियोजित शिक्षक के लिए सीएम नीतीश के माध्यम से बोला गया है कि इनको भी राजकर्मी का दर्जा मिल जाएगा, बहुत जल्द मिलने वाला है। तो जितने भी नियोजित शिक्षक कार्यरत हैं या जिसका हो गया है, जो दूर की वजह से नहीं जाना चाहते, आपको टेंशन नहीं लेना है क्योंकि आप सभी के लिए गवर्नमेंट ने कल बोल ही दिया है कि आपको भी राजकर्मी का दर्जा मिल जाएगा बहुत जल्द, ये उन्होंने बोला। दूसरी चीज़, उन्होंने जब नियुक्ति पत्र देने से पहले कुछ इन्फॉर्मेशन दी कि हमारा जो है ना 10,00,000 नौकरी, इन्होंने ट्वीट भी करके, आपने तेजस्वी यादव का एंड नीतीश जो सीएम नीतीश जी हैं इनका आपने देखा होगा ट्वीट भी करके इन्होंने इन्फॉर्मेशन दी है कि हम जो है आने वाले 1.5 साल में हमारा 10,00,000 नौकरी देने का जो है वादा है। और इसमें हर एक हो सकते हैं, बस आपका टीचिंग वाला नहीं होगा, बट इसमें से कुछ जो हो चुके हैं तो 6 से 6.5 लाख के आसपास जो है इतनी नौकरियाँ इनको अभी और देनी है। ठीक है, क्योंकि अभी इन्होंने दे दिया है जैसे कि आप देख सकते हो 96,000 के आसपास, तो आने वाले समय में जैसा कि इन्होंने बोला कि जो भी पद खाली रहेंगे उन पदों को हम जोड़ेंगे और आगे जो है आपको TRE-3 देखने को मिलेगा। चलो, TRE-3 तो सभी को पता है कि आपका अगस्त में आएगा, बट इसमें पद कितने होंगे, क्या जैसा इस बार 1,22,000 जितने आए थे उसी के अकॉर्डिंग होगा, कम हो जाएगा, ज़्यादा होगा? तो इस पर एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगी। देखिए, 1,22,000 में से आप यहीं से देखो, 1,22,000 में से 96,000, मान लो 1,00,000 सिलेक्शन हो चुका है, चलो हम लोग एक अप्रॉक्सीमेट देख के चलते हैं, 1,00,000 हो चुका है, ये 22,000 सीट आपकी बच गई है।
ठीक है, 50,000 आपकी पहले की मान लो, क्योंकि वो के पाठक सर जो बोलते थे कि 50,000 तो आएगा ही आएगा, क्योंकि वो पिछली वाली वैकेंसीज का बच्चा था जो कि इन्होंने जानबूझ के इसमें नहीं दिया था सप्लीमेंट्री रिजल्ट। आप खुद सोच लो, मान लो ये हम 70,000 लेके चलते हैं, ठीक है 70,000 है इनके पास, अभी आप सोचो 70,000। एंड बीपीएससी TRE 1 में से बहुत सारे फर्जी जो है टीचर पकड़े गए हैं, इस बार भी बहुत सारे लोगों की नियुक्तियां रद्द कर दी गई हैं, कुछ लोग नौकरी छोड़ रहे हैं, ऐसे भी बहुत ज्यादा संख्या में हैं, ये भी करीब 20,000 के आसपास हैं, ठीक है ये भी 20,000 के आसपास हैं। अभी इस बार का तो आप छोड़ ही दीजिए, क्योंकि इस अभी इस वाले में तो पकड़े ही जाएंगे, इनका भी बायोमेट्रिक होगा, सब कुछ होगा, कुछ लोग DV नहीं करा रहे हैं, कुछ लोग जाएंगे ही नहीं देने, तो इसकी भी संख्या बढ़ेगी। तो आप खुद सोच लो, आप यहाँ पर देखो ये 70 हो गया, ऐसे ही हमारा ये 90,000 के आसपास पहुंच गया। सप्लीमेंट्री रिजल्ट इनको इस बार कितना देना है, आपने देखा था कि पहले ही इन्फॉर्मेशन बीपीएससी चेयरमैन सर ने बोल दिया है कि हम सप्लीमेंट्री रिजल्ट देंगे, तो ये 90,000 के आसपास तो वैकेंसीज ऐसे ही दिख रही है, इसमें अभी ये और एड ऑन करेंगे। तो अगर हम 1,00,000 भी ना लेके चले, 50,000 तो बहुत कम हो जाएगा, क्योंकि अभी तक इन्होंने इतनी वैकेंसीज दी है, तो आपको TRE 3 में 1,00,000 के आसपास वैकेंसीज देखने को मिलेगा ही मिलेगा। क्यों? क्योंकि देखिए ये जो सप्लीमेंट्री रिजल्ट है ना, सीट मल्टीपल जो सिलेक्शन हुआ है ना, वो केवल 13-14,000 नहीं हुआ है, बहुत ज्यादा संख्या में हुआ है, क्योंकि आप खुद सोचो किसी का दो दो तीन तीन जगह पे हो रहा है, तो तीन तीन पोस्ट अगर एक एक इंसान से आप देखो, एक एक पर्सन से देखो, तो तीन तीन सीट तो खाली ही हो रही है, या दो दो सीट तो खाली ही हो रही है, दो नहीं तो एक एक तो खाली ही होगी ना, तो भी संख्या ज्यादा है। बट हमारे पास अभी डेटा आया है 17,000, क्या आपको लगता है कि 17,000 पे सप्लीमेंट्री रिजल्ट दे देंगे? अगर दे देंगे तो बहुत अच्छी बात है, बट फिर भी इसमें से जितना भी सिलेक्शन होगा, जितने भी मल्टीपल रिजल्ट पे हुआ है सप्लीमेंट्री रिजल्ट, अगर ये ईमानदारी से देना चाहे तो उसके बाद से भी तो सीटों की संख्या बच जाएगी, वो भी तो इसी में जुड़ेगा। तो इस तरीके से जितने भी सीटेट वाले कैंडिडेट्स हैं, BEd DLED, ये मत सोचो कि इस बार जिसका हो गया है उनके तो बल्ले बल्ले हैं पिछली बार क्योंकि वैकेंसीज ज़्यादा थी, ऐसा नहीं है, आपको भी बहुत ज़्यादा वैकेंसीज देखने को मिलेगी, क्योंकि कल खुद उन्होंने बोला है कि जितने भी खाली रहेंगे हम सारे पदों को भरेंगे, ठीक है। सीएम नीतीश सर के ही द्वारा बोला गया है कि 1,00,000 नौकरी का वादा इन्होंने खुद कहा है, पिछली बार भी उन्होंने जो जो चीज़ें बोली एज इट इज़ वो फॉलो हुआ है, इस बार भी जो उन्होंने बोला है वो एज इट इज़ फॉलो होगा, तो आने वाले समय में नो डाउट आपको 1,00,000 से अधिक ही देखने को मिलेगा। अगर आपको एक रॉ डेटा लेके चलना है तो 1,00,000 तो मान के ही चलो, यहीं पर मैंने आपको काउंट करा दिया, क्योंकि 1,22,000 में से पूरी सीट तो भरी ही नहीं है, 96,000 ही तो इन्होंने दिया है ना। तो इस तरीके से जितने भी सीटेट वाले हैं BEd DLED, आपके पास बहुत अच्छा मौका है, और आप TRE 3 जो है अगस्त में परीक्षा होगी, इसके लिए अभी से प्रिपरेशन करो। 21 जनवरी को आपका एग्जाम खत्म सीटेट का, उसके बाद से आपके पास एक ही काम है BPSC की तैयारी करना। अब बात कर लेते हैं सप्लीमेंट्री रिजल्ट, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट्स ऐसे होंगे जो सोचते होंगे कि यार 1-2 नंबर कम है, इस बार हो जाए ताकि बार बार पढ़ना ना पड़े एक ही चीज़ के लिए, आगे के बारे में सोचें। तो देखो सप्लीमेंट्री रिजल्ट अब आपके आने पूरी तैयारी हो चुकी है, कल आपका नियुक्ति पत्र जो है बढ़ चुका है, अब इनके पास पूरी डेटा आ चुकी है, थोड़ी बहुत चीज़ें जो मंगलवार को मैंने आपको बताया था कि अभी भी इनके पास जो है कुछ जगह का आना बाकी है, तो सप्लीमेंट्री रिजल्ट की तैयारी शुरू। अब जैसे कि आपको पता है आज हमारा 14 जनवरी है, 14 से लेके 20 इसके पहले आपको रिजल्ट आपका मिलेगा, रिजल्ट के साथ साथ आपको डिस्ट्रिक्ट अलॉट होंगे, बहुत सारे लोगों ने आपत्ति भी दर्ज की होगी, पिछली बार भी जो आपत्तियां दर्ज हुई थी उसका परसों रात में ही आपने देखा होगा रिजल्ट आ गया है, कट ऑफ से अधिक उनके मार्क्स थे, तो जितने लोगों के भी होंगे कट ऑफ से अधिक मार्क्स आपके पॉसिबिलिटीज है, और इसी बीच में आपको रिजल्ट के साथ साथ अपना डिस्ट्रिक्ट अलॉट एंड देन उसके पास आपकी काउंसलिंग वगैरह सब कुछ हो जाएगा। कितनी संख्या पे आएगा तो ये किसी को नहीं पता है, उम्मीद तो यही की जा रही है कि 17,000 नहीं तो 14 या 10,000 के आसपास आ ही जाए। अब देखते हैं कहीं ऐसा ना हो कि उम्मीद हमने इतनी बनाई है और ये 2-3 हज़ार दे। वैसे खुद इन्होंने बोला है कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट केवल उतने पे आएगा जितना मल्टीपल रिजल्ट्स बना है, तो मल्टीपल रिजल्ट्स बना है 17,000, ठीक है। तो ये जो कल भी जो भी इन्फॉर्मेशन थी वो मैंने आपको बताने की कोशिश की, साथ में जो लोग वेट कर रहे हैं सप्लीमेंट्री रिजल्ट या BPSC TRE 3 का, आप सभी को इससे थोड़ी बहुत तो हेल्प मिली ही होगी। बाकी जो भी डाउट्स होंगे जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।